नमस्कार। आज का जो विचार बिंदु है ईपीएफ पीएफ, अब मजदूर संगठन में काम करने का जो मेरा व्यक्तिगत हमें मौका मिला है, जब 2016 में बिहार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष बने, तो अध्यक्ष बनने के बाद जितने भी श्रम विभाग के कार्यालय हैं सभी कार्यालय में जाने का मौका मिला और उनके पदाधिकारियों से मिलने का मौका मिला। तो जब ये पीएफ और कार्यालय गए, जो आर ब्लॉक के रोड नंबर 6 में स्थित है, ये रोड नंबर 6 आर ब्लॉक में स्थित है, वहां कार्यालय गए, तो जो बिहार के पदाधिकारी थे, बहुत अच्छे पदाधिकारी थे, उनका नाम झा जी था। मैंने कहा कि हम इनसे मिलना चाहते हैं, तो चपरासी ने मिलाया, फिर अंदर गए, तो हमने पहली बार उन पीएफ ऑफिस में मिलना था, तो उनको अपनी पुस्तक सामाजिक सुरक्षा और भारतीय मजदूर संघ और घरेलू कामगार का ऊपर जो पुस्तक था ये सेट बना के ले गए थे, उनको प्रेजेंट कर दिया। तो झाजी जो इसके पदाधिकारी बिहार के थे पीएफ के, बड़े ही प्रसन्न हुए, चाय कॉफी पिलाए, फिर उन्होंने कुछ बातचीत जब आगे आई और पीएफ का विषय जब आ गया, तो हमने कहा कि आपके यहाँ अभी बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी संख्या 3 लाख है, उस समय संख्या 3 लाख थी, हमने कहा लगभग 3 लाख है, जरा इसके ऊपर श्रीमान हिसाब बनाया जाए कि क्या सरकार को और क्या कर्मचारियों को देना होगा। तो उन्होंने हिसाब तुरंत अपने बाबू को बुलाए, हिसाब लगाए, तो ये 8,16,00,000 में 8 लाख का 8 करोड़ का हिसाब हुआ, यानी 8 करोड़ रुपया सरकार को देना होगा। और उतना ही इसमें नियम हो पीएफ और ईएसआईसी, इसमें ईएसआई इसको समझे, ज्यादा लोग पीएफ और ईएसआई जानता, पीएफ और ईएसआई में दोनों जगह एक ही नियम है कि अगर 1 रुपया आपका जमा होगा तो 1 रुपया प्रबंधक देगा, 1 रुपया आपका जमा होगा तो 1 रुपया प्रबंधक देगा। ईएसआई स्वास्थ्य के लिए है और पीएफ आपका पेंशन का फंड होता है। तो ये 8 करोड़ का जब आया, तो उसके बाद अपने भाषणों में सार्वजनिक मंच पर शिक्षकों के बीच में, जहां हमारे शिक्षक संगठन है उनके बीच में, हमने अपने भाषण में हम कहते रहे कि आप पीएफ लागू करिए, इतना लगेगा। उसके बाद केस हो गया, केस होने के बाद फैसला आ गया, 1 साल में केस हुआ, फैसला आया, और 20 से स्वाभाविक है कोर्ट में सरकार फंस गई। इसका नियम है पीएफ में और ईएसआई में, नियम है जहां 10 से अधिक श्रमिक होंगे या किसी भी कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, दुकान में, जहां 10 से अधिक श्रमिक होंगे वहां ईएसआई और पीएफ दोनों लागू हो जाएगा। तो स्कूल में 10 से अधिक शिक्षक कर्मचारी हो गए तो पीएफ लागू हो गया, पीएफ लागू हो गया, और इसका एक्ट 1952 में बना है। अब आप ध्यान से समझे, तो जब केस हो गया तो बिहार सरकार ने 1 सितंबर 2020 को बिहार में पीएफ का आदेश जारी कर दिया और सभी शिक्षकों को कटने लगा 1 सितंबर 2020 से। अब देखिए, कल परसों के बैठक में, कैबिनेट के डिसीजन में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम योगदान के तिथि से ही पीएफ देंगे। अब नए शिक्षक आ रहे हैं,
तो नए शिक्षक मान लीजिए कि 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, जिस भी तारीख को ज्वाइन करेंगे, उस दिन से जब उनका वेतन मजदूरी बनना शुरू हो जाएगा तो उस तारीख से ही पीएफ उनका शुरू हो जाएगा, समझ गए ना। और अब ये संख्या लगभग 4 लाख हो गई है, 4 लाख की संख्या है। तो इसमें कल के कैबिनेट में बिहार सरकार ने यह निर्धारित किया है कि जो नए शिक्षक हमारे हैं उनको योगदान की तिथि से ही लागू होगा, जो पुराने शिक्षक हैं जिन्हें जिनके लिए शब्द प्रयोग होता है नियोजित, तो उनको तो 20 से शुरू हुआ, तो उनको भी जिस तारीख को वो ज्वाइन स्कूल में किए हैं उस तारीख से पीएफ मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही बिहार सरकार का सुंदर निर्णय है। व्यक्तिगत एक श्रमिक जगत के कार्यकर्ता होने के नाते ये बहुत ही सुंदर निर्णय है, हम स्वागत करते हैं और बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।